परासिया में 30 लाख की लागत के निर्माण कार्यों का उद्घाटन किया गया। इस दौरान विधायक सोहन वाल्मीकि के साथ जनपद पंचायत अध्यक्ष मौजूद रहे। ग्राम पंचायत जाटा छापर में 30 लाख की लागत के निर्माण कार्यों का उद्घाटन एवं भूमि पूजन विधायक सोहन वाल्मीकि ने किया। इसमें 3 आंगनवाड़ी भवन का उद्घाटन, रामपुरी रंगमंच निर्माण, 300 मीटर नाली निर्माण, बिजली घाट में नल जल योजना के लिए पाइपलाइन का विस्तारीकरण होगा। इस दौरान सोहन वाल्मीकि ने कहा कि अभी बहुत सारे कार्य यहाँ किए जाएंगे, कई योजनाएं हैं जिनका लोकार्पण किया जाना है। उन्होंने कहा ये सब स्वीकृत कमलनाथ की सरकार में की गई थी, जिनका अब लोकार्पण किया जा रहा है। 3 आंगनवाड़ी भवन का आज लोकार्पण हुआ है, 1 पाइपलाइन विस्तारीकरण, 3 रंगमंच और 2.5 करोड़ की रोड का जो कार्य चल रहा है, ये सभी विकास कार्यों को आज यहाँ पर कुछ लोकार्पण किए गए, कुछ का भूमि पूजन किया गया। मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, सांसद जिले के नकुलनाथ जी और विधायक सोहन वाल्मीकि जी का आभार मानता हूँ। एक रंगमंच का भूमि पूजन का कार्यक्रम हमने यहाँ पर किया है आज, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश के अंदर में, माननीय कमलनाथ जी के माध्यम से मेरे विधानसभा क्षेत्र में लगभग 42 आंगनवाड़ी हम लोगों ने स्वीकृत कराया था, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की, और उसी के संबंध में आज 3 आंगनवाड़ी यहाँ पूर्ण हुई है जिसका लोकार्पण आज हमने किया है। और ऐसे लगातार निरंतर हमने जाटा छापर पंचायत में और आसपास के पंचायत में अनेक काम किए माननीय कमलनाथ जी नकुलनाथ जी के माध्यम से। यहाँ पर अभी हम लोगों ने 2.5 करोड़ रुपए की रोड भी स्वीकृत कराई, इसका काम प्रारंभ है, शीघ्र 2-3 महीने के अंदर वो काम भी पूरा होगा। और अभी जब कांग्रेस की सरकार थी तो कमलनाथ जी के माध्यम से हमने मंधान डैम से लेकर कोहिया जुन्नार देव तक का 22 करोड़ रुपये की पाइपलाइन स्वीकृत कराई है, जिसका लोकार्पण हम लोग शीघ्र करने वाले हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।